पटना में 15 विपक्षी दलों के नेता जुटे थे, लेकिन सोमवार को बेंगलुरु में 24 विपक्षी दल साथ बैठ रहे हैं। कांग्रेस ने दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के केंद्र सरकार के अध्यादेश के विरोध का फैसला किया है। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी विपक्ष की बैठक में शामिल होने का ऐलान कर दिया। हमारा मत हमेशा स्पष्ट था, संघीय ढांचे पर कभी भी कहीं भी कोई हमला हो, वो तमिलनाडु में हो, वो बंगाल में हो या वो दिल्ली में हो, हम उसके खिलाफ हैं। 17-18 जुलाई को होने जा रही लाइक माइंडेड पार्टीज की बेंगलोर में जो बैठक है, उसमें आम आदमी पार्टी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में हिस्सा लेगी और इस बैठक में अपनी बात रखेगी। बैठक का एजेंडा इस बार ज्यादा साफ है। 3 वर्किंग ग्रुप बनाए जाने हैं। एक वर्किंग ग्रुप न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर काम करेगा, दूसरा ग्रुप अगस्त से चुनाव प्रचार की रूपरेखा बनाएगा और तीसरा ग्रुप लोकसभा चुनाव के लिए राज्यों में गठबंधन का खाका तैयार करेगा। आज जो सत्ता में है उनको सत्ता से अलग करें, क्योंकि हर बुनियादी स्तंभ जो है हमारे संविधान की, उसके ऊपर हमले हो रहे हैं बहुत ही गहरा। तो इसलिए आज ये जरूरत है कि जितने लोग अपने इस देश की इस चरित्र को, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज मजबूत करना चाहते, इकट्ठा हो इस काम के लिए। ये बात भी साफ की जा चुकी है कि ये व्यवस्था बस लोकसभा चुनाव के लिए होगी। विधानसभा और स्थानीय चुनाव के लिए सभी दल अपने फैसले लेने को स्वतंत्र होंगे। जो नीतीश फॉर्मूला ऑफ अपोजिशन यूनिटी 2024 है, उसका मतलब है कि बीजेपी के एक के मुकाबले एक। जिन दलों ने इस पर हामी भरी थी वही दल बुलाए गए थे। हमने बीजेडी को, YSR को, TRS को, इनको और अकाली दल को, इनको नहीं बुलाया था, क्योंकि इनसे हमारी इस सवालों पर सहमति नहीं बनी। बैठक में साझा मोर्चे के नाम और इसके संयोजक पर भी चर्चा हो सकती है। कांग्रेस की अहम भूमिका इस बात से समझी जा सकती है कि सोनिया गांधी बैठक में शामिल नेताओं को डिनर देंगी। तो 24 में मोदी के खिलाफ 24 दल साथ आने को तैयार हैं। गठबंधन अब ठोस रूप लेता दिख रहा है। एकता का पुल बहुत सकरा है और विपक्ष को बहुत सावधान होकर चलने की जरूरत है, यह एहसास सबको है। नई दिल्ली में मनोरंजन भारती के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।